नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC ट्यूब टीवी पर। अभी तक हम सीख चुके हैं बिग फ्रेंड एंड स्मॉल फ्रेंड के पॉजिटिव एंड नेगेटिव केस के फॉर्मूलों को। आज से मैं आपको सिखाऊंगी मिक्स्ड फ्रेंड और इनको हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूले भी बोलते हैं, का यूज़ हम कैलकुलेशन में कब और किस प्रकार से करते हैं। अगर आप फिंगर अबेकस का फुल कोर्स फ्री में सीखना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में फिंगर अबेकस सीख सकें। सबसे पहले समझते हैं कि हमें कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स की हेल्प कब लेनी पड़ती है। जब भी आपको 6, 7, 8 एंड 9 इनमें से कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, सबसे पहले चेक करना है कि आप इन नंबर्स को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसके बाद आपको चेक करना है कि आप इन नंबर्स को बिग फ्रेंड्स की हेल्प से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप बिग फ्रेंड की हेल्प से भी इन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको हेल्प लेनी पड़ेगी मिक्स्ड और कॉम्बिनेशन फॉर्मूले की। आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगी प्लस 6 के लिए कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है और इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेशन में किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि प्लस 6 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूला क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपको ऐड करना है 8 प्लस 6, ये हो गया हमारा फिंगर अबेकस पर 8। अब हमको ऐड करना है 6, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आप 6 को डायरेक्टली ऐड कर पा रहे हैं या नहीं। 6 को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम 6 को किस प्रकार से ऐड करेंगे। तो अब हम 6 को ऐड करने के लिए अप्लाई करेंगे 6 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले को। तो 6 के लिए हमारे बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है +10 -4, ये हमारा 8। अभी हम 6 के लिए बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है +10 -4, हमको करना है -4 हम डायरेक्टली कर सकते हैं नहीं। -4 किस प्रकार से करेंगे, तो -4 को करने के लिए अब हम अप्लाई करेंगे -4 के स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले को। तो -4 के स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला होता है -4 = -5 + 1। तो -4 करने के लिए अब हम अप्लाई करेंगे -4 के स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले को, जो कि होता है -5 + 1। तो हमारा हो गया 8 + 6 = 14। तो यहाँ पर 6 को ऐड करने के लिए हमको बिग फ्रेंड की भी हेल्प लेनी पड़ी एंड स्मॉल फ्रेंड की हेल्प भी लेनी पड़ी, इसलिए हम इन फॉर्मूले को बोलेंगे मिक्स्ड फ्रेंड फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करेंगे तो हमारे प्लस 6 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड का फॉर्मूला होगा +10 - 5 + 1। तो हमारे प्लस 6 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड का फॉर्मूला होगा +10 - 5 + 1। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और प्लस 6 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले को और अच्छे से अप्लाई करना सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6, ये हो गया हमारा 6 + 6। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे डायरेक्टली ऐड करने का, क्या हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं नहीं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम बिग फ्रेंड की हेल्प से 6 को ऐड कर सकते हैं +10 - 4 नहीं। तो अब हमको अप्लाई करना पड़ेगा प्लस 6 के कॉम्बिनेशन फॉर्मूले का, जो कि होता है
प्लस 10 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 आंसर इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 6 प्लस से हम डायरेक्टली कर सकते हैं प्लस 6 प्लस 10 माइनस 4 नहीं कर पा रहे हैं तो माइनस 5 प्लस 1 प्लस 6 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं बिग फ्रेंड की हेल्प से प्लस 10 माइनस 4 यस प्लस 10 माइनस 4 तो हमारा आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस 6 डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं प्लस 6 प्लस 10 माइनस 4 बिग फ्रेंड की हेल्प से हम ऐड नहीं कर सकते हैं तो अप्लाई करेंगे मिक्स्ड फ्रेंड फॉर्मूले को माइनस 5 प्लस 1 प्लस 1 आंसर इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 प्लस 6 प्लस 10 माइनस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 10 माइनस 5 प्लस 1 आंसर इज 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 प्लस 6 प्लस 6 हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं तो अप्लाई करेंगे बिग फ्रेंड फार्मूला प्लस 10 माइनस 4 बिग फ्रेंड फार्मूले की हेल्प से भी नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो हम अप्लाई करेंगे मिक्स्ड फ्रेंड फार्मूला प्लस 10 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 6 आंसर इज 17। लास्ट के 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आपको इन क्वेश्चंस को फिंगर एबेकस की हेल्प से सॉल्व करना है और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने सीखा कि प्लस 6 के कॉम्बिनेशन फ्रेंड फॉर्मूले का यूज़ हम फिंगर एबेकस में कब और किस प्रकार से करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिए जिससे वो भी फिंगर एबेकस फ्री में सीख सकें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।